मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह सियासी मौजज़ा होगा। जो लोग हमारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रूल आउट कर रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे, आज से ही उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि उनके जो जोम थे वो नाकाम हो रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने जो भी फैसला किया है, जिसको भी मैंडेट दिया है, इंशाल्लाह 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 मेजॉरिटी कामयाब होकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की शान में चार चांद। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप किस तरह से मुकाबला दे, बड़ी बड़ी अलायंस एक तरफ से है और दूसरी तरफ आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी हो, मुकाबला हर जगह होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोशिश करती है, हर पॉलिटिकल लीडर के पास जो कैंडिडेट होता है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी कारकर्दगी, उसकी इंसान दोस्ती, उसकी तामीर तरक्की का शऊर, उसका एक कार्ड होता है, रिजल्ट कार्ड, जिसके पास होगा वो कामयाब रहेगा। जिस हिसाब से जो पास्ट में हुआ है, एक और बार आप पीडीपी पे एतमाद करेंगे जी, इसके हवाले से बताइए। मैंने बात नहीं सुनी आप, इससे पहले जो एलायंस आपकी बीजेपी के साथ हुई, आज आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो पीडीपी, यानी कि एलायंस नहीं है आप लोगों की किसी के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग आप लोगों, देखिए आपको ये बात समझ नहीं होगी, अलायंस और अलायंस में एक फर्क होता है। आज की जो अलायंस आप देख रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये अलायंस है सरकार बनाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत ही एक्साइटेड है हम इस वक्त, हम इस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं फ्रॉम पीडीपी जड़ीबल कॉन्फ्रेंस के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत हमारी। क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, टॉप प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए जो हमारा ये एजेंडा है, ये बेसिकली हमने रखा है कि हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे फैक्चुअल पोजीशन क्या है। ये खाली ये मैनिफेस्टो लेके नहीं आएंगे जी, अब हमें लाइट देनी है, केरोसिन देना है, शुगर देना है, ना हम लोगों की जो तकलीफात है वो देखेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली सिर्फ खिदमत करने के लिए आए हैं, फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स, इट इज़ द सिर्फ हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, लोगों के मसाइल दूर करने के लिए आए हैं, बस हमारा मिशन यही है और कोई मिशन नहीं है। मैं डाउन टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डाउन टाउन में ज़्यादा परेशानियाँ हैं इंशाल्लाह, डल के साइड परेशानियाँ हैं, मेन डाउन टाउन में परेशानियाँ, जड़ीबल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जैसे कि हमारे आर्टिजन लोग हैं बिल्कुल इस वक्त बहुत परेशानी में है, इंशाल्लाह उनके मसले दूर करने आए हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।